तो आप ये बताइए, आपको सॉन्ग गाकर क्या महसूस हुआ? मुझे सॉन्ग गाकर बहुत अच्छा महसूस होता है हमेशा, चाहे वो बॉलीवुड का हो या बॉलीवुड का हो। पर ये मेरे लिए इसलिए बहुत बड़ी बात है कि पहला गाना मेरा बॉलीवुड में एक ऐसे कंपोज़र के साथ है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। राम संपत सर ने मुझे गवाया, अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत बड़ा बैनर था एरोस, उसके साथ गा के मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बैनर बड़ा था लेकिन स्टार कास्ट देखा जाए तो सिर्फ नाम था बड़े लोगों का, लेकिन एक अच्छा जो होता है कि अच्छी मूवी, बड़ी मूवी, बैनर बड़ा था ठीक है, लेकिन मूवी शायद उस नहीं देखिए, कोई हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी स्टार कास्ट के साथ ही आपकी फिल्म हिट होती है। हर आदमी पहले नया ही होता है, शुरू में वो पहले से बड़ा स्टार नहीं होता। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, जो भी नए स्टार्स हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, और बहुत अच्छा काम किया। आप मूवी देखें जाके, आपको मज़ा आएगा, लगेगा नहीं कि ये नए लड़के हैं, नए लड़की हैं। बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्शन वाइज कोई कमी नहीं है उसमें। बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आया फिल्म देख के। आपके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके डैडी का नाम जुड़ा हुआ है, जो जी कि जी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे एक सिंगर के नाम से सराहा भी गया और सुना भी जाता रहा है, जी आज जी तक भी सुनते हैं लोग और दीवाने हैं उनके, जी तो उनसे आपको कितना बेनिफिट है? बेनिफिट जी बिल्कुल, मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इतने बड़े घर में जन्म लिया, और मुझे मैं आई फील ब्लेस्ड के एक ऐसा गुरु मुझे मिला। मेरे घर में इतने बड़े गुरु थे, उन्होंने मुझे मैंने उनसे ज्ञान लिया है सारा गाने का, उनको ही आइडलाइज़ किया है, और बाकायदा उस्तादी शागिर्दी की मैंने रस्म की उनके साथ। मुझे बेनिफिट ये होता है कि आपको वो संगीत के बारे में समझा सकते हैं, आपको वो 8-9 साल मुझे उन्होंने रियाज़ करवाया है, लेकिन इंडस्ट्री में जब काम चाहिए तो आपको वहाँ पे खड़े होके माइक के आगे तो खुद ही गाना है ना, वहाँ पे मेरे फादर आके नहीं गा सकते। हाँ, उनके उनका नाम मेरे साथ जुड़ा है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती है। नहीं, आज के टाइम पे देखा जाए तो वो जो पहला दौर था पुराना, उसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग कव्वाल टाइप में और सूफी सॉन्ग ज़्यादा करते थे, तो क्या वो आप दोबारा दौर लेके आने वाले हैं ऐसा नहीं, लगता है? मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता कि मैं कोई दौर लेके आ जाऊँगा नया। इस टाइम जो जनरेशन जो म्यूज़िक लाइक कर रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे तो आजकल का म्यूज़िक में कोई कमी थोड़ी, बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है। वो उस दौर का म्यूज़िक था, उससे पहले ध्रुपद गाते थे लोग, फिर बड़ा ख्याल आ गया, फिर छोटा ख्याल आ गया, फिर ठुमरी आ गई, फिर गज़ल आ गई, फिर फोक शुरू हो गया, फिर पॉप शुरू हो गया, आजकल रैप का ज़माना है। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे गाना भी चेंज हो रहा है, लेकिन म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आज के जनरेशन के भी सिंगर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन ज़्यादा फोकस्ड है। जो सूफी सॉन्ग है उसको कुछ और ही मजा आता है नहीं, अगर वो देखा बात जाए आपकी तो। ठीक है, लेकिन मैं सूफी भी गा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा घराना है, मुझे तालीम सूफी की ज़रूर मिली है, लेकिन मैं एक स्टीरियोटाइप्ड सिंगर नहीं बन के रहना चाहता। मैं पॉप भी गा रहा हूँ, आप सुनेंगे इस साल मेरे 2-4 नंबर आ रहे हैं अच्छे फिल्म्स में, जिसमें मैंने पॉप भी गाया है, मैंने रोमांटिक भी गाया है, मैंने सूफी भी गाया है, मैंने फोक भी गाया है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप उस चीज़ को लेते कैसे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका फोक में बहुत अच्छा होता है गला, कुछ लोग होते हैं सूफी में बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया कि मुझे कोई भी गाना मिले ज़िंदगी में तो मैं उसको कोशिश करूँगी उसके साथ जस्टिस करूँ। अभी आप दिलप्रीत सिंह जी के साथ जुड़े हैं जी और ये एक अच्छे रैप सिंगर बन के भी आ रहे हैं, तो आप इनके साथ जुड़ के क्या, यानी कि फीलिंग क्या है आपकी? दिलप्रीत के साथ मैं अभी नहीं जुड़ा, दिलप्रीत तो मेरा छोटा भाई है, और हमारी एसोसिएशन तकरीबन 4-5 साल पहले से है, और इसके टैलेंट का तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि इतना टैलेंटेड है ये लड़का, लेकिन इसने कमाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त गाने कर रहा है लड़का। लेकिन मुझे प्राउड है, मेरा छोटा भाई है, मुझे बहुत प्राउड है इस पे कि ये भी देखें, घर से कोई भी बंदा निकलता है, वो नॉर्थ से हो, साउथ से हो, कहीं से भी हो, इस इंडस्ट्री में आके अपना पैर जमाना बहुत मुश्किल है। तो वो घर से निकला है कुछ ना कुछ लेके, और बहुत मेहनत कर रहा है, और आई एम श्योर कि ये बंदा अपने आप को साबित करेगा। दिलप्रीत एक बहुत मेहनती लड़का है अच्छा, इससे पुरानी जीन से पहले आपने कुछ पंजाबी सॉन्ग या इससे पहले कुछ? जी। मैंने पंजाबी फिल्म्स में तो मैं 12-13 फिल्मों में गा चुका था इस गाने से पहले, और मेरे सिंगल्स भी आए हैं 2-3 बार। सिंगिंग की शुरुआत आपने कब से यानी सिंगिंग कि? की शुरुआत मैंने की जब मैं शायद 18 या 19 साल का था। पहले मैं गाता नहीं था बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्या ये क्या कर रहे हैं, तो मैं खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था। तो लेकिन जब गाना शुरू किया तो फिर इसमें घुस गया मैं, और मेरा पहला जो ऑफिशियल जो मेरा गाना आया था, वो हमारे पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है गुरमीत सिंह जी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। मेरे ब्रदर की फिल्म थी और उसमें अपॉर्चुनिटी दी थी, रब्बा केड़ी गल दी सज़ा मेरा पहला गाना थोड़ा था। सा सुना दें बिल्कुल क्या? सुना दूंगा बिल्कुल। सुन ला मौला,
ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ ਲੱਖ ਜ਼ਰਬਾ ਤਕਸੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੱਸ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੜਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਏ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਤਿੜਕ ਗਏ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਰੁਕ ਗਏ ਮੁਕੱਦਰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਦਗਾ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਏ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਂ ਐਲਬਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ मैंने देखिए पुरानी जीन्स के गाने से पहले भी मैंने बहुत सारे गाने गाए थे अनफॉर्चुनेटली वो मेरी आवाज़ में रिलीज़ नहीं हुए ऐसे ही मैंने अभी 10-12 गाने और उस गाने के बाद रिकॉर्ड किए हैं पर जब तक ऑफिशियली हमें हमें ये कहा जाता है कि आप बाहर नहीं बता सकते फिल्म का नाम नहीं बता सकते हमें भी नहीं बताया जाता एक्चुअली कि किस फिल्म के लिए गा रहे हैं पर मैंने अभी 12-13 गाने गाए हैं और फिल्म में देखो अगर मेरी आवाज़ उनको अच्छी लगेगी तो वो रख लेंगे सबसे पहले तो मैं उनको ही अपना आइडल मानता हूँ अपने फादर साहब को उनके बाद अगर मैंने किसी को सुना है ध्यान से और जिसको माना है दिल से वो हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फ़ैन नहीं हूँ मैं उनका आशिक हूँ तो मैं आशिकी करता हूँ उनसे तो मतलब अपने फादर के बाद अगर किसी से प्यार है मुझे तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान नुसरत फ़तेह अली ख़ान बहुत बड़ा नाम बहुत बड़े नाम है अभी तो फिलहाल उनके एक कंबाइन में चल रहे हैं राहत फ़तेह अली ख़ान जी जी उनसे कभी मुलाकात हुई है उनके सामने जी मैं राहत साहब से मिला हूँ 2-3 बार मिला हूँ राहत साहब भी बहुत बड़े गवैये हैं उनको फॉर्चुनेटली उनका जन्म इतने बड़े घर में हुआ और उन्होंने अपनी लेगेसी को कैरी किया और इतने ज़बरदस्त तरीके से कैरी किया कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके ख़ानदान से उठ के नुसरत साहब के बाद भी कोई इतना बड़ा नाम कर सकता है तो उन्होंने बहुत राहत साहब ने बहुत मेहनत की है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया खान साहब के जाने के बाद भी क्योंकि उनको भी ऐसे जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि आपके फादर का नाम जुड़ा है आपके साथ तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है बेनिफिट मिलता ज़रूर है लेकिन लोग एक्सपेक्ट भी उतना ही ज़्यादा करते हैं आपको मेहनत भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है आपको संघर्ष उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है जितना बड़े नाम से आप आए हैं क्योंकि आपका कंपैरिजन सीधा लेजेंड से होता है अब राहत साहब का सीधा खान साहब के साथ कंपैरिजन होता है और बीच में कोई है ही नहीं तो नुसरत साहब के साथ कंपैरिजन होने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा नाम है राहत साहब आप लगातार 12-15 गाने जैसे बता रहे हैं आप गा रहे हैं जी यानी कि इस तरह डैडी का कोई एल्बम सुनने को मिलेगा आपके लिए जी अभी वो अपने शौक़ के लिए गा रहे हैं आजकल गाते हैं लेकिन जब उनका मन होता है जब उनका मन होगा तो एल्बम कोई बड़ी उनके लिए तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी चीज़ है निकालना कोई एल्बम जब भी उनका मूड हो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं कंपोज़ करूँ वो गाना उनके लिए मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं अपने फादर साहब के लिए कोई गाना कंपोज़ करके उनको दूँ और वो मेरे म्यूज़िक में गाएँ अपनी ऑडियंस से आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यू लिव ओनली वंस लिव इट अप वर्क हार्ड पार्टी हार्ड और अब मैं अपने भाई को बुला लूँ हिंदी सॉन्ग सुना हाँ ठीक है पुरानी जीन्स का सुना देता हूँ तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी ये कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी ये गली गली फिरे राजा हीर से कहे है मिल जा दोबारा मैनू जिंद मेरी है तेरा ही नजारा मैनू जिंद मेरी है नी कर दे इशारा मैनू जिंद मेरी है थैंक यू जी आ जाए जी दिलप्रीत भाईजान आप
बहुत अभी एक एल्बम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। दी खुश तो मैं बहुत हूँ, सुनने को मिलने को भी आ रहा है, पब्लिक के सामने होगा वो आपके चाहने वाले। बस जल्दी सुनने में आएगा, अभी मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सब प्यार करें मेरे को, और बस जल्दी आएगा। शूट कहाँ तक पहुँचा आपका शूट? अभी बस उसका ये लगा लो 20% उसका शूट रहता है, बस बाकी हो चुका है। अभी इतने बड़े सिंगर के बेटे आपके साथ हैं, हंसराज हंस साहब, तभी मैं थोड़ा वो हूँ, मतलब लो फील कर रहा हूँ, बिकॉज पाजी इतने बड़े सिंगर हैं और मेरे लिए मतलब कर रहे हैं। दैट इज़ सो नाइस ऑफ हिम। ये मेरा छोटा भाई है, मेरा, मुझे इस पे प्राउड है। मतलब ये बहुत जल्दी छा जाएगा दुनिया में, बहुत ज़बरदस्त लड़का है और बहुत मेहनत करता है। इसकी फिजिक पे हो, इसकी लुक्स पे हो, या इसके रैप पे हो, मुझे कुछ भी लिखता है तो ज़रूर सुनाता है और हम डिस्कशंस करते रहते हैं इसके बारे में। लेकिन आई एम श्योर कि ये बंदा छा जाएगा, आने वाले साल का ही सुपरस्टार होगा। थैंक यू सो मच भाई। सूफी आ जाए तो कैसा लगेगा? सूफी मैं रैप के साथ सूफी, वो तो फिर भाजी से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। नहीं, हम कर रहे हैं एक गाना बहुत जल्दी, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नई ट्यून्स बना रहा हूँ कि उसमें दिलप्रीत का रैप होगा और मैं कोशिश करूँगा कुछ हट के गाना हो। यानी बहुत जल्दी जो है पब्लिक के सामने एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, बस बहुत जल्दी आएगा। पाजी ने बोल दिया तो समझ लो हो जाएगा, फिर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। नहीं, ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। हम इकट्ठे कुछ कर रहे हैं, बस अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा कुछ किसी काम में फंसा हूँ, मुझे वो वाइंड अप करना सब, और फिर मेरे ख्याल में 2-3 महीने के बाद शायद वो वीडियो आउट होगा। कुछ रैप सुना दीजिए आप। मैं अभी पाजी के साथ में मैं तू कड़ी पाई और राडो, तेन गड्डी चाहिए प्राडो, जो तूने पहनी है ये छोटी छोटी ड्रेस, वो मुझको करती है इम्प्रेस। ये जो मेरा आने वाला अभी रैप है जो अभी अभी ये पूरा नहीं सुनाएगा, पूरा नहीं। अभी आपको पूरी फिल्म दिखा देंगे तो आप थिएटर में कैसे जाओगे? हाँ, तो अभी थोड़ा सरप्राइज है क्योंकि पूरा फुल म्यूजिक के साथ आपको धमाल मचाएंगे। चाहने वाली हैं एक्चुअली, कितनी सारी हैं, चाहने वाले तो कम है, चाहने वालियाँ ज़्यादा हैं इसकी। ठीक है, मैं बस यही चाहूँगा कि मेरे गाने को प्यार मिले और मेरे को प्यार दें सब लोग, बस यही बोलूँगा मैं अभी। Thank you so much. एक नीचे का मत लेना, खाली ऊपर ऊपर से ले लो। He's gonna rock, man. He's the upcoming rap star of this nation. I would say he's just awesome, and I pray for him. जी सर, आप बताएंगे इस एल्बम के बारे में जिसका आप सॉन्ग कर रहे हैं? एक्चुअली ये हिप हॉप सॉन्ग है और अरविंदर सिंह सिंगर है इसके, और रैप दिया है दिल ने, और बहुत अच्छा ब्रिलियंट रैप दिया है, और मेरे ख्याल से गाने को एकदम, उसको बोलते ना कि चक दे फटे वाला मामला जो होता है, वो दिल का जो रैप है उसकी वजह से ये एकदम ज़बरदस्त हो गया है और बहुत ब्रिलियंट है और बहुत ही अच्छा गाना है, और डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आएगा इसमें, और जो इसका वीडियो आप देखोगे तो उसमें और भी मज़ा आएगा आपको। तो ये वीडियो आप जो चाहने वाले हैं उन तक कब तक लेके आने वाले हैं? डेफिनेटली विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि 14 तारीख को हम लोग इसको शूट कर रहे हैं और बॉम्बे में ही शूट करेंगे, और मेरे ख्याल से उसमें 30 डेज के अंदर अंदर हम लोग उसको रिलीज़ कर देंगे। तो सर, इस एल्बम के अलावा और आपका कुछ काम चल रहा है? मैंने बैंड ऑफ बॉयज सिंगर हैं, उनका सुन लो ज़रा गाना बनाया था, उसके अलावा अनामिका है, आप जानते ही उनको, अनामिका के लिए मैंने मीठे मीठे बोल बनाया था, उसके अलावा काफ़ी रिमिक्स नंबर बनाए थे। अभी रिसेंट मैंने पल एक एहसास करके एल्बम आया मधुश्री का, मधुश्री बटर